घर का खाना जो होता है वो हाइजीन होता है, वो तो सेहत के लिए अच्छा है। जंक फूड जो होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम काशिफ बबलू है जी। जनाब, आप तो जानते ही होंगे कि हर जगह लॉकडाउन की सूरत हाल है, और खाने पीने की जगह भी सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, रेस्टोरेंट भी सारे बंद पड़े हैं, या फिर फ्रेंड गैदरिंग जो जगह थी वो भी सारी चीज़ें बंद पड़ी है। और आपका जो जिस्म है, उस जिस्म की जो चर्बी है, उसको तलब हो रही हो जंक फूड खाने की, और दिमाग को तलब हो रही हो दोस्तों के साथ बैठने की, एक जगह गैदर होने की। और ऐसी सूरत में अगर आपका दोस्त आपको कॉल करके ये बोले कि काशिफ भाई आज जो है कड़ाई नाइट है मेरे घर पे, रात को आप आ जाइएगा, तो क्या सिचुएशन होगी फिर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम काशिफ बबलो, ये आप पसीना देख सकते हैं कि भाई आज जो प्रोग्राम है वो अफान की छत पे क्वारंटीन चिकन कढ़ाई क्वारंटीन चिकन कढ़ाई आज खाने जा रहे हैं। भाई अफान ने बड़े दिनों के बाद बुलाया, मैं अफान के बिल्कुल बराबर में रहता हूँ, ये मेरा घर है बिल्कुल बराबर वाला, मैं कम से कम अफान से आज 10 दिन के बाद मिला हूँ। तो भाई अफान ने तो फूड पांडा को बुला दिया, हमारी तरफ बड़ा मशहूर हेवा भाई रेस्टोरेंट, वहाँ के शवारवे को बुला दिया। आज अफान ने हमारी हसरत पूरी कर दी जो एक महीने से दिल के अंदर भसी हुई थी कि कहीं कढ़ाई खाने को मिलनी नहीं थी सिर्फ घर के अलावा। तो आज अफान अपने हाथों से कढ़ाई खिलाने वाले हैं सबको भाई। तो जितनी भी कढ़ाई नाइट्स होती हैं उसमें सबसे अहम काम होता है कि आग जलाना, विदाउट एनी प्लास्टिक बैग और विदाउट एनी फ्यूल। तो वो आग जो होती है कोयलों से ही सुलगानी होती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत होती है, और फिर उस आग के जो शशके होते हैं ना वो फिर अपने ही होते हैं। जल गए, जल गए भाई, जल गए, फाइनल हो भाई। कढ़ाई क्वारंटीन कढ़ाई बनाना शुरू कर दिए शेफ पापा ने। पहले तो अपना घर का किचन पूरा लेकर आ गए ऊपर छत पे, अब तेल का तेल और डालना पड़ेगा। ये भाई शेफ, असिस्टेंट शेफ हेमर, दिल्ली से तेल डालो भाई। ओए ओए, भाई कढ़ाई का तकद्दस पामाल नहीं कह रहे, कढ़ाई पार्टी का तकद्दस पामाल नहीं कह रहे। बॉय को देख रहे हैं आप, ये इतने गुस्से में क्यों है? असल वजह ये है कि जब अफान ने अपनी रेसिपी शो करी वो कुछ अनोखी थी, वो सिर्फ घर के मसालों पे डिपेंड कर रही थी, उसके अंदर कढ़ाई मसाला था ही नहीं। तो जैसे दो तलवारें एक मैदान में नहीं ले सकती, ऐसे ही दो रेसिपियाँ एक कढ़ाई नाइट में नहीं ले सकती। अहमर से सवाल किया जाता है, अहमर इस कढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अफान ने क्या कर दिया इसके साथ? की मेहनत कहाँ तक अजर अजर देती है देख रहा हूँ। बिल्कुल की रेसिपी को मद्देनजर रखते हुए हमने सबके ओपिनियन जानने की कोशिश करी कि किसकी क्या कीमती राय है इस कढ़ाई की रेसिपी के बारे में। 15 मिनट तक इसको भी हम टमाटर डालेंगे, फिर उसको भुनेंगे, फिर इसमें बाकी चीजें डालेंगे, दही वगैरह और खाने का थोड़ा हरी मिर्च। तो आई थी कि लाए एक ही बोल और खाने का थोड़ा हरी मिर्च धनिया। हाँ भाई अहमर, इस कढ़ाई के बारे में आपकी कीमती राय का क्या है? नहीं भाई, हम कोई राय नहीं देते, राय नहीं देंगे। हाँ भाई आपकी क्या कीमती राय? कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा। अच्छा, और आपकी? कुछ ना कुछ बन जाएगा, जो बनेगा अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। हमारी कीमती जो राय है वो ये है, हमें समाजर में जो भी बन जाए। फिर अफान की जो रेसिपी ने जादू दिखाया और पूरी छत पे जो खुशबू फैलाई, उससे तो बिलखसूस हमारा सबर का दामन छूट गया, और हमने जो है अपने हाथ साफ किए सैलेड के ऊपर, क्योंकि कढ़ाई तो पक रही थी और कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए था, हमने सैलेड को साफ करना शुरू कर दिया। काशिफ भाई, हाँ क्या इरादा है आपका? सैलेड क्या सारा पहले ही खा जाएंगे? भाई कढ़ाई नहीं बन के दे रही, कढ़ाई थोड़ी है, ये पाए बन गई है। चले कोई बात अभी नहीं, अभी भी लगेंगे। खाते जाए, खाते जाए।
भाई तो हो गए तैयार, लेकिन हमारी जो रोटियां थी ना वो हो गई थी ठंडी, क्योंकि रोटियां आई हुई थी 5 बजे, हमारी क्वारंटीन चिकन कढ़ाई तैयार हुई रात के 12:30 बजे, तो रोटियां हो गई ठंडी। तो इस खसूसी काम को हमने फुल एख्तियारात के साथ दिया अहमद भाई को कि भाई अहमद तुम ये रोटियां गर्म करो। फिर अहमद भाई ने अपना जुगाड़ी दिमाग चलाया और हमारी रोटियां गर्म करके दी। कीमती रहेगा, इंतजार करें क्या है। टेस्ट कैसा है? सही है। अफान भाई अपने मियाँ मिठू नहीं करेगा। हाँ भाई अमर अच्छा। हाँ जी जनाब, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मेहनत के हिसाब से सिला है। अच्छा कुछ बन गया यानी है? जी 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 कुछ बन गया। हाँ भाई अमीन, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन लोगों ने मुझे बोला। अरे कीमती राय जो है ना भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, कढ़ाई से मिलती जुलती चीज है, ये है कढ़ाई है, मतलब फाइनली मिशन कंप्लीटेड। तीन चिकन कढ़ाई नाइट हो और चार दोस्त नहीं 6 दोस्त एक साथ बैठे हो और उसमें फिर एक गेम हो लूडो गेम, तो पार्टी का जो मजा है ना वो दुबाला हो जाता है। ये पहले ये बता चलो भाई। जनाब हमें तो काफ़ी मज़ा आया क्वारंटीन चिकन कढ़ाई नाइट एंजॉय करने के बाद, क्योंकि हमारी जो चर्बी थी इसे जंक फूड खाने को मिल गया। घर का खाना जो होता है वो हाइजीन होता है, वो तो सेहत के लिए अच्छा है, जंक फूड जो होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। और दिमाग को भी काफ़ी सुकून मिला क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गैदर होने का मौका मिला। तो भाई इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।